अभी पिछले दिनों एक तकरीर कर दी गई कि इस मुल्क के अंदर ये तो आटे में नमक के बराबर है, फेतुन कलीला है। मैं उन्हें एक जवाब दे रहा हूँ, पहले तो अपनी ऐनक ठीक करवाओ। और फे कलीला नहीं है, जो मजमे तुम सालों में जमा करते हो ना, वो मजमे हम रोजाना जमा करते हैं। मैं बहुत छोटा सा हकीर सा फकीर सा एक जाकिर हूँ, मेरे बड़ों से तो बाद में बात करना, मेरी मजलिसों का हाल देख लो, इस्लामाबाद से लेकर कराची तक। मैं मजालिस तो सालों से पढ़ रहा हूँ, लेकिन इस दफा जो कौम में जज्बा है उसका रंग ही कुछ और है। जगह जगह तंग पड़ रही है, इमाम बार का छोटे पड़ रहे हैं। मुझ पर तो मेहरबानी फरमाई उन्होंने जिन्होंने कराची में गालियां दी थी, मैं तो उन्हें कोई कालीन वालीन गिफ्ट भेजूंगा। तो जो है उन्होंने बुरा भला कह के पहले तो मुझे ये तसल्ली दी कि मैं भी अली के मुरीदों में हूँ। और दूसरे ये बात वाजे हो गई कि ये कौम मजलूम है, मजबूर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सलाम हो पूरे पाकिस्तान के शिया ने हैदर करार। मैं एक छोटा सा आदमी, मैं अहले सुन्नत से बहुत प्यार करता हूँ, अहले सुन्नत भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर जिस जाविये निगाह से इस वक्त बात कर रहा हूँ, पूरी मिल्लत को मेरी तरफ से सलाम। हमने कुछ नहीं किया, हमारा कोई कारनामा नहीं, कोई हैसियत ही नहीं हमारी, आप पहले से ही तैयार थे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में एक नया दौर शुरू हुआ है, हमारी मजहबी जमातों में इत्तेहाद बढ़ना शुरू हो गया है, हमारे नौहा खानों में और खतीबों और जाकिरों में हमाहंगी बढ़ गई है। तुमने नुकसान किया है अपना, तुम हमारे मिजाज से आशना नहीं हो, हम जिस घड़े से पानी पीते हैं उसका जायका ही कुछ और है, हमारा मशरब ही कुछ और है। माशाल्लाह नारे हैदरी। हमारा मिजाज कुछ और है, हमारा तरीका कुछ और है, हमें अगर पहचान लो तो शायद तुम डबल PhD हो जाओ। तुम हमें नहीं पहचान पाए, हुसैन को क्या जानोगे, और हम तुम्हारे बाप यजीद को जानते हैं, तुम्हारी क्या हैसियत है। मैं तो ढूंढ रहा था कि पाकिस्तान में यजीद का कोई हिमायती है, अल्लाह ने करम किया है, चेहरों से नकाबे उतर गए, हमारे सुन्नी भाइयों का भी भला हो गया, उनके दरमियान कुछ ऐसे लोग थे जो उनमें से नहीं थे,